बीएसपी को छोड़कर सपा में शामिल हुए गुड्डू जमाली आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अखिलेश बोले कि समुद्र मंथन के बाद इस बार संविधान मंथन होगा। बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। दो बार के विधायक रहे गुड्डू जमाली ने 2022 के लोकसभा उपचुनाव में आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव के खिलाफ लड़ा था। गुड्डू जमाली ने सपा ज्वाइन करते ही सरकार पर हमला भी बोला, कहा कि इतनी बेईमान सरकार मैंने आज तक नहीं देखा, राम की कसम खाकर झूठ बोलते हैं। गुड्डू जमाली ने कहा कि 2024 के चुनाव में उनको उखाड़ फेंकेंगे। इस समय देश में दो खेमे हैं, एक देश को बांटना चाहता है तो दूसरा देश को जोड़ना चाहता है। मेरे दिल ने कहा कि जो देश को जोड़ना चाहते हैं मैं उनके साथ रहूं। मैं बीएसपी में 13 साल रहा, उसका भी एहसान है, लेकिन वो आज इस लड़ाई को नहीं लड़ रही है। गुड्डू जमाली के नेतृत्व में कई बसपा नेताओं ने सपा को ज्वाइन किया, जिनमें खास तौर पर अब्दुल्ला अलाउद्दीन, अखलाक अहमद, अबरार अहमद इत्यादि लोग शामिल रहे। बता दें कि आजमगढ़ में सपा पिछला लोकसभा चुनाव बसपा से गुड्डू जमाली के मैदान में उतरने से हार गई थी। सूत्रों के मुताबिक जमाली पसमांदा मुस्लिम समाज से आते हैं, इसलिए अब आजमगढ़ सीट की किलेबंदी में सपा जुटी है। सपा उन्हें मार्च में होने वाले चुनाव में विधान परिषद भेजकर एक संदेश देना चाहती है। भाजपा की नज़र लगातार पसमांदा मुस्लिम समाज पर बनी है। वर्ष 2022 में आजमगढ़ में हुए लोकसभा उपचुनाव में गुड्डू जमाली को 2,66,000 वोट मिले थे और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव यह चुनाव करीब 8,000 वोटों से हार गए थे। आजमगढ़ सीट फिर से जीतने की रणनीति के साथ ही गुड्डू जमाली को सपा में लाया जा रहा है। गौरतलब है कि नवंबर 2021 में गुड्डू जमाली ने बसपा के सभी पदों से इस्तीफा देने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की थी। इसके बाद उनके सपा के टिकट पर मुबारकपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा हुई। हालांकि उन्हें प्रत्याशी घोषित करने के बजाय सपा ने स्थानीय नेता को टिकट दे दिया था। इसके बाद गुड्डू जमाली MIM में शामिल हो गए और मुबारकपुर से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन अब एक बार फिर उनकी सपा में वापसी हुई है और कयास लगाए जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी गुड्डू जमाली के सहारे पूर्वांचल में अपना दबदबा कायम रखने में कामयाब होगी। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने दो ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया, मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज दो खेमा है, एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पर भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए, मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मंच से कहता हूं, अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई, हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं, हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने यह फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है, बल्कि ये समझा, दिल दिमाग से ये समझा कि हम लोग बीइंग ए सिंसियर सिटीजन ऑफ कंट्री, हमारी क्या जिम्मेदारी है। तो लिहाजा मेरे दिल ने इस बात को कहा कि यकीनन यकीनन हमें ऐसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए जो इसका विरोध करते हैं और इसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिलो जान से आपके PDA के नारे को ताकत देता हूं, उसकी हां में हां मिलाता हूं, इसलिए कि अगर इस देश में कुछ बदलाव हो सकता है तो यही उम्मीद है। मैं तो ऊपर वाले से अल्लाह से ये दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको सेहत दे, लंबी हयात दे और ताकत दे, और हम लोग आज के बाद हम आपके लिए पूरी जिंदगी आपके साथ,
और इस मन से गुड्डू जमाली कह रहा है, चाहे मुझे यहां कुछ मिले या न मिले, मैं पूरी जिंदगी आपका वफादार रहूंगा। मरने के बाद तब मेरा रिश्ता आपसे टूटेगा। सीआईबी इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।